नमस्कार दोस्तों, कल सुबह एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मेरे पास एक वीडियो आया। ये वीडियो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का एक टुकड़ा है। 54 सेकेंड का ये वीडियो है और ये वीडियो ऐसे भाषण उनका तब का है जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस वीडियो को सुनने के बाद मुझे लगा कि मैं उनके भाषण में गरीबों को लेकर जो उनकी चिंता दिख रही है, मैं उस चिंता की तलाश उनके और भाषणों में करूं। तो मैंने यूट्यूब खंगालना शुरू किया तो दो वीडियो मुझे और मिले। हालांकि सैकड़ों वीडियो थे लेकिन दो वीडियो मैंने और छांटे और आज मैं इस तीन वीडियो के जरिए मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि जब नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं तो उनके भाषणों में गरीबों की जितनी चिंता होती है, और जब राशन देते हैं उस दौर में जब कोरोना और लॉकडाउन में सबसे अधिक गरीब पिस रहा है, घिसट रहा है, बिलख रहा है, मर रहा है, तब राशन कितना देते हैं, उसको आर्थिक मदद कितनी होती है, 20 लाख करोड़ के पैकेज में गरीबों के हिस्से क्या जाता है। इसी फासले और फर्क को समझाने के लिए, भाषण और राशन के फर्क को समझाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। आप तीनों वीडियो सुनिएगा, देखिएगा, खुद तय करिए। मेरी राय मायने नहीं रखती कि मैं क्या कह रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी जो भाषण देते हैं वो मायने रखता है और प्रधानमंत्री मोदी जो राशन देते हैं, राहत और रकम देते हैं, वो मायने रखता है। इस दोनों मायने के बीच के फासले को आप खुद समझिए और तय करिए। पहला भाषण नरेंद्र मोदी का भाषण है, उस समय प्रधानमंत्री नहीं बने थे, क्योंकि इसी भाषण में उन्होंने दिल्ली और लखनऊ की सरकारों को लानतें भेजी है। आज दोनों जगह उनकी सरकारें। सुनिए, 54 सेकेंड का यह भाषण है। मैं चुप रहता हूं ताकि आप भाषण को सुनकर उसके उनके मर्म को समझ सकें, उनके दर्द और उनकी तकलीफ को समझ सकें, और उसके बाद राशन की बात मैं करूंगा। जरा सुनिए। भाइयों बहनों, गरीबी क्या होती है, गरीब कैसे जिंदगी गुजारा करता है, ठंड ज्यादा पड़ जाए तो भी गरीब मरता है, धूप ज्यादा निकल जाए, गर्मी हो जाए तो भी गरीब मरता है, बीमारी फैल जाए तो भी गरीब मरता है। सारे संकट अगर किसी को झेलने पड़ते हैं वो गरीब को झेलने पड़ते हैं। लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार या लखनऊ में बैठी हुई सरकार, उनको गरीबी के खिलाफ लड़ने की उनकी तैयारी नहीं है, इच्छा नहीं है। सुना आपने, नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कह रहे हैं कि गरीब सबसे अधिक हर मुश्किल में गरीब मरता है, चाहे धूप हो, बीमारी हो, ठंड हो, हर संकट में गरीब मरता है, गरीब को झेलना पड़ता है। ये नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं। लेकिन एक बात है कि इस वीडियो में वो लानत दिल्ली की सरकार और लखनऊ की सरकार को भेज रहे हैं। तब दोनों जगह दूसरे की सरकार थी, आज दोनों जगह लखनऊ में योगी की सरकार, दिल्ली में मोदी की सरकार, यानी दोनों जगह लखनऊ और दिल्ली में योगी की सरकार, मोदी की सरकार है, मोदी की सरकार है। अब अपनी अगर सरकार है, तब जब गरीबों को बांटने की बात आई, गरीबों के लिए दानवीरता दिखाने की बात आई, गरीबों के लिए दिल और खजाने के दरवाजे खोलने की बात आई, तो क्या हुआ, क्या मिला? 20 लाख करोड़ में से क्या गरीबों के हिस्से में आया? तमाम अर्थशास्त्री उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। कहा गया कि जीडीपी का 10% 20 लाख करोड़ है, सही है, लेकिन अब उसके पोस्टमार्टम से पता चल रहा है कि जीडीपी का 1-2% गरीबों के हिस्से आया, 2 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़, जिसमें 1,70,000 करोड़ का पहले ऐलान किया जा चुका है। कैश ट्रांसफर की तो बात ही छोड़ दीजिए, 500 रुपये जनधन खाते और चावल और चना और गेहूं, उसका भी हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन दो वीडियो और देखना जरूरी है। और मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूं कि जब भाषण और राशन का फासला दिखे तो सवाल मीडिया को भी पूछना चाहिए। अगर 2014 के पहले का दौर होता और ऐसे भाषण मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के होते तो हर चैनल पर उस वीडियो को दिखा दिखाकर और मजदूरों की त्रासद तस्वीरों को दिखाकर सवाल पूछे जा रहे होते कि आपने ये कहा और ये किया, ये फासला क्यों है। लेकिन आज आप शायद कहीं सवाल पूछे जाते नहीं देखेंगे, कोई सवाल प्रधानमंत्री मोदी से नहीं पूछता, उनके सारे सवाल, उनकी तरकश में सारे तीर विपक्ष के नेताओं के लिए। किसी की हिम्मत और हिमाकत कहां कि प्रधानमंत्री मोदी का यह वीडियो दिखाए और कहे तब आपने ये कहा था और आज आपने ये किया। लेकिन चलिए, जोखिम लेकर हम जैसे लोग सवाल पूछते थे तब भी, 2014 के पहले भी, 2019 के बाद भी।
चलिए एक और वीडियो, ये वीडियो 16 फरवरी और इसके बाद मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। ये वीडियो 16 फरवरी 2017 का है। जो पहला वीडियो दिखाया उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे। उसके बाद सैकड़ों वीडियो में से जो दो वीडियो मैंने छाटा है उसमें एक वीडियो है 16 फरवरी 2017 का, 1 मिनट 10 सेकंड का है। 1 मिनट 10 सेकंड फिर मैं चुप रहता हूं और ताकि आप वीडियो को सुने, और उसके बाद मैं एक और तीसरा वीडियो दिखाऊंगा, वो भी बहुत अहम है और आज के दौर में बहुत मौजूद है। जरा सुनिए पहले ये वीडियो जो अभी आप सुनने जा रहे हैं। बड़ों बड़ों को नाराज करने से मैं डरता नहीं हूं भाइयों, क्योंकि मुझे गरीब के लिए जीना है, गरीब के लिए जूझना है। और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, इस देश में 50 साल से गरीबी के नारे सुने हैं, मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि मैं गरीबी में पैदा हुआ हूं। गरीबी को मैंने जिया है। एक गरीब की जिंदगी कितनी कठिन होती है वो डगर डगर पर अनुभव करके मैं आया हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, गरीबों के लिए कुछ करना, उनकी जिंदगी में बदलाव लाना, इसका मैंने बीड़ा उठाया है। आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए भाइयों बहनों, आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए, ये सपना पूरा होकर के रहे। सुना आपने, 1 मिनट 10 सेकंड का ये वीडियो है जो यूट्यूब से मैंने खोज कर निकाला है। ये ऑफिशियल चैनल पर है, ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर के चैनल पर। इसमें इन्होंने कहा मुझे गरीब के लिए जीना है, गरीब के लिए जूझना है, गरीबी को मैंने जिया है। एक गरीब की जिंदगी कितनी कठिन होती है डगर डगर पर अनुभव करके मैंने देखा है, इसलिए गरीबों की जिंदगी में बदलाव लाने का मैंने बीड़ा उठाया है। लेकिन गरीब भारत की सड़कों पर, देश के अलग अलग सूबों की सड़कों पर किस तरह से घिसटते हुए, जाते हुए, चलते हुए, मरते हुए, बिलखते हुए, रोते हुए बीते 60 दिनों से दिख रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी को भी दिख रहे हैं। और जब राहत की बात आई, बार बार मैं राहत और राशन, भाषण और राशन के फर्क की बात कर रहा हूं। क्या हुआ, क्या मिला गरीबों को? दुनिया भर के अर्थशास्त्री कह रहे हैं उन्हें कैश ट्रांसफर किया जाना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उन्हें 5,000, 7,000 या 8,000 रुपए जाने चाहिए गरीबों की जेब में। लेकिन गरीबों की जेब में क्या गए? वो चावल, चना, गेहूं और दाल, ये गरीबों के हिस्से सिर्फ ये आया। और उसके बाद जब आप बात करते हैं कि गरीबी को आपने सबसे अधिक जिया है, तो यह सवाल पूछा जाना चाहिए। अब एक और वीडियो है, वो वीडियो भी अहम है, और उसके बाद मैं फिर कुछ तस्वीरों पर आऊंगा और आप लोग खुद तय करिए। और यह सवाल हमारा पूछना गैर वाजिब है क्या, यह भी आप तय करिए। यह सवाल हर दौर में हर सरकारों से पूछा जाना चाहिए, मैं कह रहा हूं, चाहे किसी की सरकार होती, और किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का ऐसा भाषण हो उससे जरूर पूछा जाना चाहिए। वही वीडियो वही दिखा दिखा कर पूछा जाना चाहिए कि आपने ये कहा और जो आपने किया, दोनों का फासला अगर नहीं दिखता या नहीं होता तो सड़कों पर यह हाल नहीं होता। आप सोच सकते हैं चेन्नई से, केरला से, कोच्ची से, हैदराबाद से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से पैदल यूपी और बिहार के लिए लोग निकल पड़े 1500, 1600, 1700, 1400 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। किसी के पसीने छूट जाएंगे सोच करके उसे 20, 30, 40 किलोमीटर पैदल जाना है। और उसके बाद वो गरीब बच्चे को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर, गर्भवती पत्नी को लेकर, बीवी बच्चे सबको लेकर, बुजुर्ग को लेकर पैदल निकल पड़ा। और उसके बाद मार्च के आखिरी हफ्ते में सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता है कि सड़कों पर कोई पैदल मजदूर नहीं है, ये भारत सरकार की नुमाइंदगी करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता है। उसके बाद पीयूष गोयल केंद्रीय रेल मंत्री का भाषण आता है टाइम्स ऑफ इंडिया के शैक्षणिक संस्थान में कि भारत में कोई भी भूखा नहीं रहा। और हकीकत क्या है आप जानते हैं, तस्वीरें दिख रही है। इन त्रासद स्थितियों की तुलना करें, सरकार के राहत की तुलना करें और प्रधानमंत्री मोदी के इन भाषणों के बीच में आप इनका विश्लेषण करें तो आपको पता चलेगा कि कहे और किए में क्या फर्क है। एक और वीडियो, और हां मैं आक्रोश में बोल रहा हूं, यह गुस्सा है मेरा, गुस्सा मीडिया के तमाम साथियों से है जो ये सवाल ही नहीं पूछते। उनको मौका मिले तो सिर्फ सवाल विपक्ष से पूछने का बहाना खोजते हैं या तबलीगी जमात के बहाने एक महीने जो देश में हुआ हमने देखा है। चलिए एक और वीडियो है प्रधानमंत्री मोदी का, यह भाषण है 14 मार्च 2017 का, 55 सेकंड का है, यह भी मैंने यूट्यूब से निकाला है।
फिर मैं 55 सेकंड चुप रहूंगा, क्योंकि 55 सेकंड में आप फिर से उनका भाषण सुनिए, गरीबों के प्रति उनकी चिंता सुनिए। गरीब गरीब में सामर्थ्य मैं देख पाता हूं, मैं देश के गरीबों की शक्ति को पहचान पाता हूं और राष्ट्र के भविष्य के निर्माण में जितना ज्यादा गरीबों को अवसर मिलेगा उतना ज्यादा देश तेज गति से आगे बढ़ेगा। गरीब अगर शिक्षित होगा तो समाज को ज्यादा परिणाम देगा, गरीब को अगर कार्य का अवसर मिला तो देश के लिए ज्यादा करके दिखाएगा। और इस देश की एक सबसे बड़ी ताकत वो हमारे देश का गरीब है। आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण भी। प्रधानमंत्री मोदी 14 मार्च का भाषण है जिसमें कह रहे हैं गरीबों की शक्ति और सामर्थ्य को मैं पहचानता हूं, राष्ट्र के निर्माण में गरीबों को जितना अवसर मिलेगा देश उतनी तेजी से तरक्की करेगा। ये बात सही है सर, गरीबों की शक्ति और सामर्थ्य को बीते 60 दिनों में देश ने देखा है और सड़कों पर देखा है। क्या शक्ति सामर्थ्य की पैदल चल रहे हैं, पैदल परिवारों के साथ बच्चों के साथ। कितनी बार वही बात करें, हमने सामर्थ्य उस मां की भी देखी जो एक सूटकेस पर, ट्रॉली वाले सूटकेस पर एक बच्चे को लेकर लुटकाती हुई जा रही। हमने ऐसे मां बाप की, पिताओं की तस्वीरें देखी जो 2 साल 4 साल 6 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे को चलाते हुए जा रहे। देखते जाइए तस्वीरें। हमने वो सामर्थ्य भी, सहनशीलता भी देखी कि भूखे मजदूर पैदल चले जा रहे हैं। और उसके बाद हमने वो तस्वीरें भी देखी कि जब कटिहार में बिस्किट के लिए स्टेशन पर मजदूरों में गुत्थम गुत्था हुई, आपस में छीना झपटी हुई। ये तस्वीरें हम बाढ़ सुनामी जैसे मौकों पर कभी कभी 10-20 साल में दिखती थी जब एयर ड्रॉपिंग होती थी खाने के पैकेट की, लेकिन यहां तो स्टेशन पर खुलेआम जहां तहां। मेरी चुप्पी शायद 10 सेकेंड इसकी आवाज आपको सुनाई दे, हालांकि ये वीडियो आप देख चुके होंगे। तो ऐसी तस्वीरें लगातार देखने के बाद वाकई गरीबों के सामर्थ्य, गरीबों की शक्ति, गरीबों के आत्मविश्वास, इस पर भरोसा हुआ है कि आत्मविश्वास नहीं, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता एक शब्द प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत। किसी कांग्रेसी नेता का लेख पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कर्ज निर्भर भारत, लेकिन हां आत्मनिर्भरता तो हमने देखी। जुगाड़ आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भरता बेचारे जैसे तैसे चले, मारे गए 150 से ज्यादा मजदूरों की मौत। ये बैग जो देख रहे हैं ना, ये बैग, इस बैग में मजदूरों के सपने थे, इस बैग में मजदूरों के कपड़े थे, बैग में, छोटे से बैग में उनकी पूरी जिंदगी थी। सिमट कर लिपट कर इसको बैग के साथ जा रहे थे और औरैया के हादसे में 26-27 मजदूरों की मौत। ये बैग देख रहे हैं, ऐसी रोटियां, ऐसे बैग, ऐसी निशानियां हम सबके माथे पर कलंक की तरह है। और उसके बाद सरकार की तरफ से जो राहत का ऐलान है जिस पर हजार सवाल है, लेकिन कहीं कोई चिंता फिक्र दिखने की बजाय सारे नेता और प्रवक्ता चैनलों पर इस तरह से भाषण देते हैं जैसे लगता है देश पर कितना एहसान कर दिया, गरीबों पर कितना एहसान कर दिया, कितना खजाना लूटा। एक और भाषण का छोटा सा टुकड़ा, उसके बाद आपको मैं अपनी बात कहते हुए और आपसे भी कहूंगा। दुष्यंत कुमार मेरे बहुत प्रिय कवि हैं, उनकी दो लाइनें हैं, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो मैं ये व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर रहा हूं, बहुत चर्चित है ये दो लाइनें, आकाश में कोहरा घना है, मैं मजदूरों के संदर्भ में कह रहा हूं, बेरोजगारों के संदर्भ में कह रहा हूं, इसलिए इसको व्यक्तिगत आलोचना न लिया जाए, फिर से उसको उसी संदर्भ में देखा जाए जो देश में त्रासद स्थितियों का सामना गरीब, कामगार, मजदूर कर रहे हैं, जिसका जिक्र बार बार प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में आता रहा। एक छोटा सा टुकड़ा और है उनके भाषण का, इसी भाषण का जिसका जिक्र अभी मैंने किया 14 मार्च 2017 का, ये भी 45 सेकंड का टुकड़ा है, आप पहले सुन लीजिए। आता है कि रुकावटें दूर हो वो दौड़ करके कुछ करने के लिए क्षमता रखता है। एक बार देश के गरीब के अंदर खुद का बोझ उठाने की ताकत आ जाएगी, इस देश के मध्यम वर्ग का बोझ पूरी तरह हट जाएगा। अर्थशास्त्र के इस रूप को
अर्थशास्त्र के इस रूप को मैं न्यू इंडिया में अनुभव कर रहा हूं। और एक बार देश के गरीब की ताकत, देश के मध्यम वर्ग के सपने, इनको अगर मिला लें तो इस देश को दुनिया में नई ऊंचाइयों पर ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि देश में गरीब के अंदर खुद का बोझ उठाने की ताकत आ जाएगी, देश का मध्यम वर्ग से बोझ हट जाएगा, अर्थशास्त्र के इस रूप को न्यू इंडिया के रूप में अनुभव कर। हाँ, न्यू इंडिया के रूप में तो हम सब लोग बहुत कुछ अनुभव कर रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि गरीब के अंदर बोझ उठाने की, खुद का बोझ उठाने की ताकत तो आई, नहीं आई होती तो 1,000, 1,200, 2,000 किलोमीटर की यात्रा पर साइकिल से, रिक्शे से, पैदल, क्या कहूं, एक बार नहीं, हजार बार इस बात का जिक्र कर चुका हूं, ऐसे हम नहीं देखते सर। और उसके बाद भी बेचारे आक्रोश उनके नहीं दिख रहे हैं, उनका अफसोस दिख रहा है, त्रासदी दिख रही है, तकलीफ दिख रही है, ये सब कुछ सड़क पर दिखा जा रहा है और सबकी तस्वीरें इतिहास में दर्ज हो रही है। और उसके बाद प्रधानमंत्री का ये भाषण, अगर इस भाषण को सही मायने में अगर सरकार अपनी योजनाओं में अमल करती और वाकई भाषण की तरह राशन और रकम मिलती तो बात होती कि हाँ, जो चिंता थी वो जमीन पर वैसे ही उनकी जेब में, पैसों के शक्ट में, लेकिन वो हम नहीं देख पाए। और कुछ वीडियो दिखाते हुए, छोटी सी बच्ची का ये की तस्वीर है जो वरिष्ठ पत्रकार है दिवांग, उन्होंने ट्वीट किया है। ये सब त्रासद स्थितियां देखना जरूरी है, जिस तरह से भाषण मोदी देते हैं और जो उनके भाषणों के किरदार गरीब होते हैं, वो गरीब किन किन स्थितियों का उन गरीबों ने सामना किया है वो देखना जरूरी है। ये तस्वीर देखिए, छोटी सी बच्ची चलकर परिवार उसको लेकर दिल्ली पहुंचा है 3 दिन के सफर के बाद, इसके बाद यूपी जाना। सूरत में मौतें हुई है, टकराव और बाकी चीजों तो छोड़ दीजिए, मजदूरों का पथराव और टकराव और उनकी अव्यवस्था से जूझते मजदूरों का आक्रोश, 3 मजदूरों की खुदकुशी की खबर सूरत से है। ये फूट फूट कर रोती हुई महिला, ये एबीपी न्यूज की एक रिपोर्टर ने शूट किया, जो महिला जा रही थी, यहां से निकली थी, जो महिला बिहार के लिए, सासाराम के लिए, इसके पति की डेथ हो चुकी थी और उसके बाद ये महिला दिल्ली यूपी बॉर्डर पर फंसी थी, और उसके बाद जब इसे कोई साधन नहीं मिल रहा था, फूट फूट कर रोने लगी। इसकी तकलीफ, इसकी चीख, इसका दर्द सरकार की किस योजना में, सरकार की किस मदद में, सरकार की तरफ से ऐलान में कहां झलकता। हमारे घर मर गइल बड़न, घर ही बड़न लइका रोत हसन। ऐसी कितनी तस्वीरें हैं, हमारा एक तस्वीर तो बात, और इन सब के बाद जब शंख, दीप, दिए, मोमबत्ती, थाली, ताली जैसे ऐलानों की बात होती है, तमाम मीडिया के साथ ही उसको बहुत बड़ी घटना, परिघटना, इवेंट मानकर ट्वीट रीट्वीट करते हैं। उसी बीच जब 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने कहा था दीप दिए जलाएं, तब भी हम जैसे लोग सवाल उठा रहे थे कि इस दीप दिए की मुहिम में गरीब कहां है। तब जो बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया है अमित मालवीय, उन्होंने 5 अप्रैल को एक ट्वीट किया, एक झोपड़ी में 2-3 मोमबत्ती या दिए जल रहे थे, पता नहीं वो सच है कितना, हकीकत कितना मैं नहीं जानता, बट उसको प्रतीक के तौर पर ट्वीट किया कि ये है मेरा देश, और बहुत सारे पत्रकारों ने उसी को रीट्वीट किया, जैसे वो एक झोपड़ी में जलते हुए 2-3 दिए देश की 40-50-60 करोड़ गरीब आबादी उसकी नुमाइंदगी करती वो तस्वीर। ये सच नहीं था। देश में 40-50 करोड़ गरीब कामगारों के आंकड़े को लेकर तमाम तरह की के रिसर्च और स्टोरी छप रही है, उसमें करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, करोड़ों लोग विस्थापित हो गए, और उन सब के हिस्से प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण आया है, राशन अभी चना और गेहूं और चावल की शक्ल में, 5 किलो 1 किलो की शक्ल में, जेब में 500 रुपया जनधन योजना का, और उसमें भी बहुत लोगों के पास नहीं पहुंचे होंगे, जिनके खाते नहीं होंगे, और तमाम तरह की मुश्किलों की बात, सरकार की तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं जिससे लगे कि उनकी चिंता वाकई बहुत ज्यादा है। और बाकी जो 18 लाख करोड़ की घोषणाएं हैं या 17 लाख करोड़ जो दूसरे मद में है, या उसको कर्ज मेला, लोन मेला लोग कह रहे हैं, रिजर्व बैंक की लिक्विडिटी को भी आप अगर मदद मान रहे हैं, तमाम चीजें, उस पर मैं सवाल ज्यादा बात करके इसको अर्थशास्त्र पर मैं केंद्रित नहीं करना चाहता। मेरा मुद्दा, मेरा फोकस प्रधानमंत्री का भाषण और राशन तक था, इसलिए मैं वहीं सीमित रहते हुए इन तमाम तस्वीरों को दिखाते हुए आखिरी बार कि प्रधानमंत्री जी, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि एक बार जो आपने इतने वायदे किए, जो इतने भाषण दिए, जिसमें इतनी चिंताएं आपने दिखाई हैं, उन चिंताओं के की रोशनी में
अभी भी कुछ करके देखिए, कुछ ऐसी चीज लगे कि गरीबों की जेब में 5,000, 7,000, 8,000 जो भी कर सकते हैं वो उसकी जेब में पहुंचे। क्योंकि अजीम प्रेम जी से लेकर रघुराम राजन तक सबने, रघुराम राजन को तो आप विलेन कह सकते हैं क्योंकि वो आपके हिसाब से आपके विरोधी अर्थशास्त्री हैं, लेकिन अजीम प्रेम जी जैसे दानवीर तक ने कहा कि देश में कोरोना से जितने लोग मरेंगे, लॉकडाउन से जितने लोग कोरोना से जितने लोग मरेंगे उससे ज्यादा लोग गरीबी से मरेंगे। तो ये स्थितियां हैं, इन स्थितियों पर आखिरी बार वीडियो खत्म करता हूं इस अपील के साथ कि प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में जितनी चिंता गरीबों की करते रहे हैं, अब अपने राशन में, गरीबों को राहत में, रकम में भी उतनी चिंता, हालांकि वो योजनाओं का ऐलान हो चुका है, पैकेज का ऐलान हो चुका है, मुझे लगता नहीं कुछ होने वाला है, लेकिन फिर भी अपीलें अपनी तरफ से जारी रहनी चाहिए और मीडिया के साथ ही सवाल इस वीडियो ऐसे वायदों के इर्द गिर्द पूछे जाने चाहिए। सरकारों से सिर्फ विपक्ष की घेराबंदी से बात होती नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी सरकारों की होती है। नमस्कार, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस वीडियो को तो सब्सक्राइब करें, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मेरी बातों से असहमत, और असहमति ही लोकतंत्र को मजबूत करती है। हो सकता है बीजेपी के आईटी सेल के तमाम लोगों को लगे कि मैं इतना आक्रोश क्यों जता रहा हूं, लेकिन दिल पर हाथ रखकर देखिए कि जो मजदूर सड़क पर घिसकते हुए दिख रहे हैं, क्या उनको वो सब आपने दिया जो उनकी उम्मीद थी? करोड़ों लोग जो विस्थापित होकर बेरोजगार हुए, क्या उनकी जेब में वो पहुंचे जो वो उम्मीद रखते हैं या जिसके वो हकदार हैं और जो प्रधानमंत्री के भाषणों के किरदार हैं? नमस्कार।